वेलकम टू आर चैनल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन साइड आई एस डिल्ली करेंट अफेयर ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फेब्रुआरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू देर आर सिक्स न्यूज फॉर द डिस्कशन एंड फ्रॉम द प्लेम्स पॉइंट ऑफ व्यू देर आर फोर न्यूज़ एंड स्टडी आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑफ जानवरी ट्वेंटी का जो मंथली कंपाइलेशन होता है ऑफ विजन विजन का मंथली कंपाइलेशन का पॉलिटी और गवर्नेस का सेक्शन ठीक है पॉलिटी और गवर्नेस का सेक्शन मैंने कल कंप्लीट कर दिया है तो जिसने वीडियो नहीं देखा हो जस्ट आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो देन स्टार्ट आवर टूडेज डिस्कशन इन्फ्लूजा ए एच फाई एन एट वायरस तो रशिया जो है सेड इट डिटेक्ट फर्स्ट केस ऑफ एच फाई एन एट एवियन फ्लू इन ह्यूमन अलर्ट एच डब्ल्यू एच ओ ठीक है तो ह्यूमन को जो है इंसानों को अफेक्ट कर दिया है जो एच फाई एन एट एवियन फ्लू जो है वो ठीक है एंड देर आर द डिफरेंट सब टाइप्स देखा जाते हैं इन द एवियन फ्लू इन्फ्लूजा वायरस वाइल हाईली जो कॉन्टेक्जीनियस स्ट्रेन जो है एवियन इन्फ्लुजा वायरस की वो एच फाई एन एट है एंड इट इज़ लीथल फॉर द वर्ल्ड बर्ड्स इट हैज़ नेवर बिफोर हैज़ बिन रिपोर्टेड कि वो कभी एक कभी इंसान को स्प्रेड हुआ है पर इस बार रशिया में एक फर्स्ट केस वैसा दिखाई दिया है तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो है इन्फ्लूजा टाइप ई वायरस के दिए हैं तो जो टाइप ई उसके कुछ सब्स टाइप्स होते हैं दैट इज़ द हेमागलीटीन एच ई एंड न्यूरा मिनी डिज एन ए ठीक है तो वायरस जो है डिवाइडेड इंटू सब टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ द वायरस एटीन नॉन एच ए टाइप के सब टाइप्स है एंड अलेवन जो है एच एन ए टाइप के सब टाइप्स यहाँ पे है एंड जितने भी टाइप्स के uh, सब टाइप्स है ऑफ़ इन्फ्लूजा ए वायरस वो इन्फेक्ट करते हैं बर्ड को एक्सेप्ट कुछ जो सब टाइप्स है वो विच हैज़ बिन ओनली बीन फाउंड इन द केस ऑफ अ बैट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एच ए एंड एन ए प्रोटीन जो है वो पॉसिबल होते हैं एंड दस ड्यू टू इट उनके जो काफ़ी ज्यादा जो है सब टाइप्स डिवाइडेड है ठीक है अभी यहाँ पे है इन्फ्लूजा ए एच फाइव जिसे यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर जो एच फाइव वायरस है उसके नाइन सब टाइप्स है एंड दिस आर बीन लिस्टेड हियर अब एवियन इन्फ्लूजा क्या है या बर्ड फ्लू क्या है तो एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो मेनली इन्फेक्ट करता है नॉट ओनली द बर्ड बट कुछ टाइम uh, इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वायरस है वो रेस्टिक होता है बस टूवर्ड्स द बर्ड्स एंड हाईली कॉन्टीजनियस वायरल इन्फेक्शन है सेवरल स्पीशीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स जैसे कि चिकन हो गया टर्की uh, क्वेल जोनल फ्लू ठीक है इस तरीके से जो बर्ड्स है उनको मिलने इंफेक्ट करता है ओकेजनली मैमल्स को वो इम्फेक्ट कर सकता है एंड इन्फ्लूजा ए वायरस जो है उसके दो सब टाइप्स है मैंने जैसे ऊपर ही बताए थे एच ए एंड एन ए अभी यहाँ पे जो इस बार रशिया में केस दिखाई दिया है दैट इज़ इन्फ्लूजा ए एच फाई एन एट वायरस का तो अकॉर्डिंग टू द पैरिस बिट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ फॉर द एनिमल हेल्थ उनके अकॉर्डिंग एच फाई एन एट जो एवियन इन्फ्लूज़ा है इज़ अ डिसीज़ ऑफ अ बर्थ बर्ड्स कॉज बाय द टाइप ए टाइप ए जो इन्फ्लूजा वायरस है उसके वजह से होता है एंड मेनली जो है इन्फेक्ट uh, जो करता है स्पीशीज़ वो डोमेस्टिक पोट्रीज़ होती हैं एंड समटाइम्स वो बर्ड uh, जो इंसानों को भी इंपेक्ट कर सकता है कैन दिस वायरस ट्रांसफर फ्राम द ह्यूमन टू ह्यूमन ठीक है तो ह्यूमेन टू ह्यूमेन ट्रांसफर होता है तो इस टाइप के कभी केसेस दिखाई नहीं दिए हैं बट रिस्क टू द जनरल पब्लिक इज़ वेरी लो एंड देर इज नो एविडेंस दैट कंज्शन ऑफ अ पोट्री मिट और द एज ऑफ अटे कैन ट्रांसफिट द वायरस टू द ह्यूमन एंड बट नेसेसरी प्रिकॉशन जो है हमें लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट uh, है अब क्या है कुछ कंट्रोल मेजर्स है तो कलिंग जो है इट इज़ अ यूजली अंडर टेकन टू कंट्रोल द इन्फेक्शन वेन इट इज़ डिटेक्टेड इन द एनिमल ठीक है तो एक ग्रुपली जो है काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में बर्ड्स को जो है मारना ठीक है उनको पूरा कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना उस प्रोसेस को हम कलिंग बोलते हैं एंड कलिंग जो है सेफ डिस्पोजल होता है ऑफ ऑल द कर्ल्ड एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ऑथोरिटीज जो होती है ऑल्सो नीड टू स्टेक अटिक इन्फोर्समेंट डिकमटन ऑफ ए इन्फेक्टेड बिमाइस एंड अंडरटेक अ क्वारंटाइन ऑफ अ कंटामिनेटेड वहीकल एंडसनल्स सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट न्यूज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी तो जो इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ है उन्होंने बोला है कि दैट द थ्री मंथ टेम्पररी सोल्यूशन जो हैजिन फाउंड

इंस्पेक्शन इफ यू एस जो है फेल होता है टू लिव देअर सेंशन एंड द लॉ इज ड्यू टू गो इंटू द इफेक्ट ऑन अ ट्यूजडे तो ये लॉ जो है ट्यूजडे सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये जो अटेम है यू एस प्रेसिडेंट जॉन बिडन एडमिनिस्ट्रेशन यूरोपियन पावर एंड ईरान जो है टू रेस्क्यू दी फिफ्टीन न्यूक्लियर डील दैट बीन ऑन अ बिंक ऑफ अ कोलेब सिंस जब से जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ने वहाँ से विड्रॉ किया था तो ये हो गया ओवरऑल सिनारी अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में डिस्कस किया है नाम आया है तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका सेटअप हुआ था सेट अप एज द वर्ल्ड एटम फॉर द स्पीस ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन फिफ्टी सेवन में विथ इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली रिपोर्ट ऑफ बोध यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल वेनिवा वेनिना ऑस्ट्रिया में है कुछ फंक्शंस देखे जाए तो जो भी वर्क होता है ठीक है विथ इट्स मेम्बर्स स्टेट एंड मल्टीपल पार्टनर वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है एक सेफ़ सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसका मेन एम है कि वो प्रमोट करे द पीसफुल यूज ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनिबिट इट्स यूज फॉर द वेरियस मल्टीअर पर्पजेज़ फंक्शन यहाँ पे मेन्शन है तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो रिकमें recommend, रिकमेंडेशन uh, दे टू द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एक्टिविटीज़ को और बजट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल एटोमिकनर्जी के जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको रिस्पॉसिबल होते हैं जो भी पॉलिसीज होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना एंड अपॉइंट अपॉइंट करना डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूवल कुछ प्रोग्राम्स उनके थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले जो होते हैं ठीक है तो सबसे पहला प्रोग्राम है जो प्रोग्राम ऑन एक्शन फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम वाटर अवेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन द इनोवेशन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड अ फ्यूल साइकिल टू थाउजेंड दिस आर द फ्यू प्रोग्राम कंडक्टेड बाई देन मूविंग टूअर द नेक्स्ट न्यूज तेलंगाना अच यू हंड्रेड परसेंट टैप वाटर कनेक्टेड टू द स्कूल वर्किंग ऑन दो प्रोवाइडेड कनेक्शन टू द स्कूल जो स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स है एंड आश्रमशाला है वो उन सब ने दे हैव टेकन अप अंडर द हंड्रेड डे स्पेशल कैम्पिन जो मिनिस्ट्री ऑफ अ जल शक्ति अंडर द जल जीवन मिशन के अंडर में रन कर रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंग जो तेलंगाना है दे हैव ज्वाइंट अ ग्रुप ऑफ अ स्टेट एंड उन्होंने इंश्योर किया कि जो टैप वाटर कनेक्शन है वो सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स को मिले प्रीवियसली द स्टेट जो है वो इज़ द फर्स्ट जिन्होंने टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया था टू द ऑल हाउस होल्ड और अभी उन्होंने सारे स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी उसको इंश्योर कर दिया है अब जल जीवन मिशन अगर देखा जाए तो 2019 अगस्त में उसको अनाउंस किया गया था इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोवाइड करे एक पाइप टू तो वाटर सप्लाई दैट इज हर गर्ल घर जल टू ऑल द हाउस होल्ड बाई ट्वेंटी और इसी को इसके लिए जो है इसका मेन जो अगर देखा जाए फैक्टर तो इट सीक टू प्रोवाइड फाइव हंड्रेड लीटर सॉरी फिफ्टी फाइव लीटर पर कैपिटल पर पर सॉरी पर कैपिटा पर डे फॉर द प्रिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म एंड द रेगुलर बेसिस ये हो गया जल जीवन मिशन के बारे में इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अ गांधी जीज ग्राम स्वराज अंडर द जम जल जीवन मिशन जो लोकल विलेज कम्युनिटीज़ होती है ग्राम पंचायत और सब कमिटीज़ जैसे कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी हुई ठीक है तो इन सब में क्या होता है तो जो जूजर ग्रुप होते हैं जिसमें टेन टू फिफ्टीन मेम्बर्स होते हैं विद इन फिफ्टी परसेंट जो है वुमेन का पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन होता है जो इन्वॉल्व होते हैं इन द कंप्लीट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ अ वाटर सप्लाई सिस्टम फंडिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो फंडिंग जो है शेयर की जाती है बट सेंटर एंड दाइनटीज टू टेन रेशियो में फॉर द हिमालयन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बाकी रेस्ट ऑफ द जो स्टेट्स है उनको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होता है शेयरिंग एंड हंड्रेड परसेंट यूनियन टेरिटरी को सेंटर थ्रू किया जाता है देन सेंट्रली फंडेड अगर देखा जाए विल बी फिफ्टी परसेंट ऑफ द सिटी जहाँ पे लेस देन वन लाख से पॉपुलेशन होता है एंड वन थर्ड ऑफ द सिटी जहाँ पे वन लाख से टेन लाख तक पॉपुलेशन होता है एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर द सिटीज जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन होता है नीड फॉर दिग् नीड और सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का तो इंडिया जो है अकाउंट करता है सिक्सटी परसेंट ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन बट ओनली फोर्टीन परसेंट ऑफ अ फ्रेश्रेश्रेश्रेश्रेश वाटर रिसोर्सेस एंड जो डिप्लीकेट हो रहा है वा, ग्राउंड वाटर लेवल का उसके साथ साथ जो ओवर एक्सप्लोटेशन एंड डिटोरेट हो रहा है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज दिस आर द मेजर रीजन जिसके वजह से जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है ठीक है वो अच्छे uh, जो है प्रॉपरली नहीं मिल पाता एंड दस इट इज एन अर्जेंट नीड की वाटर कंजर्वेशन जो है वो कंट्रीमेट लिया किया जाए एंड बिकॉज ऑफ दिस जल जीवन मिशन जो है इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस यहाँ पे इस फिगर में भी दिया है सॉरी uh, यहाँ पे, sorry, हाँ पे कुछ मार्क नहीं किया है सो जस्ट इग्नोर दिस फिगर यहाँ पे कुछ अच्छे से जो है नोटिफाइड नहीं किया है कि किसके uh, uh, कुछ इंडेक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है सो इट इज़ अनाबल टू कंक्लूड कि क्या यहाँ पे सेट किया है पर मोस्ट प्रोबली वाटर कितना है किसी रीज़न में ही बताया होगा आई थिंक वो डार्क कलर uh, के अकॉर्डिंग कुछ होगा जस्ट प्लीज यहाँ पे नहीं दिया है सो आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट सो मूविंग टू द नेक्स्ट आर टेस्ट वॉट इट इज एंड हाउ इट इज डन तो हाउ द आर टी पी सी आर टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द कोविड तो ये जो है इट इज द कोविड नाइन्टीन इज अ सार कोविड टू वायरस एक आर एन ए वायरस है दैट मीन्स इट इनफिल्टर करती है हेल्दी सेल टू मल्टीप्लाई एंड डी एन एस कॉलर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर डिटेक्टिंग ऑफ द वायरस हाउ इट इज कैरीड तो इसको किस तरीके से कैरी किया जाता है ठीक है यहाँ पे दिया है कि नोट ये अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगी इट इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो सां कोविड को टू आर एम ए जो है जनरली डिटेक्टेबल होता है इन द रेस्पिटरी स्पाइसमैन ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ अ इन्फेक्शन फ्रॉम फॉर दैट जो अपर और लोअर रेस्पिटरी होती है जैसे कि नेजल वगैरह वहाँ से uh, जो है uh, कुछ uh, सैंपल कलेक्ट किया जाता है एंड ये जो सैंपल होता है इट इज़ ट्रीटेड विद द सेवरल केमिकल सॉल्यूशन दैट रिमूव द सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन और फैट हो गया एंड उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है आर जो उस सैंपल में प्रेजेंट होता है रियल टाइम आर टी टेस्ट में उसके बाद क्या होता है सेट यूजअली डज गोज थ्रू द थर्टी फाइव साइकिल विच मीन्स दैट एंड ऑफ द प्रोसेस अराउंड थर्टी फाइव बिलियन जो न्यू कॉपीज होते हैं ऑफ द सेक्शन ऑफ अ वायरल डी एन ए आर क्रिएटेड एंड फ्रॉम ईच स्टैंड ऑफ अ वायरस प्रेजेंट इन द सैम्पल एज अ न्यू कॉपी जो होते है ठीक है ऑफ द वायरल डी एन ए सेक्शन आर बिल्ड जो मार्कर लेबर अटैच होता है टू द डी एन ए स्टैंड एंड देन रिलीज करता है एक फ्लोरेसेंट डाई विच इज मेजर्ड बाय द मशीन कंप्यूटर एंड प्रेजेंट करता है एक रियल टाइम डाटा ऑन द स्क्रीन एंड जो कंप्यूटर होता है ट्रैक करता है अमाउंट ऑफ फ्लोरिसेंस इन द सैम्पल आफ्टर ईस साइकिल एंड वेन द अमाउंट जो होता है ठीक है डस गोज इन टू द सर्टन लेवल ऑफ फ्लोसेंस देन इट इज़ कन कन्फर्म दैट द वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है उस पटल पर्टिकुलर पर्सन के सैम्पल uh, में दैट इज इट इज पर्टिकुलर उस पर्सन को इम्फेक्ट किया uh, इंफेक्ट है उस वायरस से यह हमें पता चलता है सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ठीक है सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस कुछ uh, जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है वो आपको ध्यान में रखना है वॉट इज़ अ कार्बन वॉच इंडिया फर्स्ट ऐप टू एक्सेस वन कार्बन फुट प्रिंट तो चंडीगढ़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिन्होंने लॉन्च किया है कार्बन वॉच तो कार्बन वॉच एक मोबाइल अपलिकेशन है जो हेल्प करेगा टू एक्सेस द कार्बन फुट प्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल वॉट इज मीन बाय द कार्बन फुट प्रिंट तो कार्बन फुट प्रिंट एक अमाउंट ऑफ ग्रीन गैस होती है ग्रीन हाउस गैस होती है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज किया जाता है इन टू द एटमोसफियर पर्टिकुलरली बाई द ह्यूमन एक्टिविटी हाउ डज़ द एप वर्क तो एज अ पर्सन जब भी पर्सन कोई डाउनलोड करता है उस ऐप को उनको कुछ डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती है जैसे कि वाटर एनर्जी वेस्ट जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकुलर मोमेंट एंड ईच ईच कैटे और उनमें जितने भी कैटेगरीज होते हैं दे विल रिक्वायर्ड टू फिल द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर कंजप्शन एंड द वेस्ट जनरेशन विद द मेन्शन इंफॉर्मेशन जो मोबाइल ऐप होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड ये जो अपलीकेशन है वो प्रोवाइड करता है एक इंफॉर्मेशन सच एज नेशनल एंड वर्ल्ड एवरेज ऑफ ए इमिशन एंड द इंडिविजुअल लेवल ऑफ ए इमिशन जनरेशन ठीक है तो इस तरीके से ये तीन स्टेजेस uh, में जो है या दो स्टेज में हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फील करना एंड जो ऐटोमेटिक बाद में जो है कार्बन फुटप्रिंट कितना इंडिविजुअल थ्रू जनरेट होता है वो हमें पता चलता है कुछ सोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये मोबाइल अपलिकेशन जो है विल सजेस्ट अ अडर कि किस तरीके से हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर पाएंगे एंड जो अप्प्लीकेशन है विल ऑल्सो सजेस्ट एज पर द इन्फॉर्मेशन जो फर्निश की जाती है बाय द इंडिविजुअल मोटिव देखा जाए इस टाइप के एप्लीकेशन डिजाइनिंग का तो मेकिंग द पीपल क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन वाई मेकिंग देम कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग द हेर कार्बन फुटप्रिंट अलॉन्ग विद्स उनको एक प्रोवाइड करना स्टेप कि वो किस तरीके से उसको रिड्यूस कर सकते हैं इज द मेन मोटिव ऑफ दिस एप्प्लीकेशन विच इज बिंग डिजाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन तो फूड एंड अ कंज्शन सॉरी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है दे हैव स्टेस की हमें नीड है कि हम एक वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्मिटी एंड सेड जो लैब टेस्टिंग होती है इन इंडिया शुड बी अ ग्लोबल स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ने ऐसा भी बोला है कि देयर दिस विल दिस वाइल रिवाइंग द वर्क ऑफ अ ब्यूरो ऑफ अ इंडियन ब्यूरो ऑफ अ इंडियन स्टैंडर्ड्स वॉट इट इज़ ठीक है अब यहाँ पे जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड के बारे में बोला है तो वो क्या है तो वो ये एक फर्स्ट डेलीब्रेट हुआ था ठीक है उसको उसके बारे में डिस्कस हुआ था फर्स्ट बार फर्स्ट टाइम इन द सितंबर ट्वेंटी नाइनटीन ये मिशन जो है वॉज इन्वर्साइज्ड दिस मिशन वॉज इन्विजन ऑन द लाइन ऑफ अ वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम जिसका मेन एम है कि वो इंश्योर कर पाए एक क्वालिटी प्रोडक्ट इन द कंट्री एंड पर्पज ऐसा है कि ये हेल्प करे टू कवरेज मल्टीपल स्टैंड विद्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विच इज़ बिंग रिकोगनाइज एज अ नेशनल बॉडीज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंडिया नीड क्यू थी तो स्ट्रेंथ एंड द कैरेक्टर्स जो है ऑफ अ नेशन इज ऑफ

मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉर कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होती है एंड जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ़ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्किंग अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट दो में आया था जिसके अंडर में इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एज ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया ये एक्ट इनापल करता है सेंटर गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट करे जो भी अथॉरिटीज़ या एजेंसी होती है इन एडिशनल टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और वेरीफाई करे जो भी कन्फॉर्मिटी होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ की एंड सर्टिफाई करे उनकी कन्फॉर्मिटी कोई भी प्रोडक्ट की या सर्विस की एंड ये जो स्टैंडर्ड्स uh, होते हैं देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ रिपेयर और रिकॉल ऑफ द प्रोडक्ट बियरिंग स्टैंडर्ड मार्क एंड That they do not confirm for the relevant Indian standards. So, this is regarding the Bureau of Indian Standards. Fact for the prelims, what is a line of a credit? The line of a credit is not a grant but a soft loan which is provided on a concessional interest rate to the developing countries which is. विच हैज़ टू बी रिपेड बाय द बोरोंग गवर्नमेंट और जो बॉरोवर होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द लाइन ऑफ क्रेडिट एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्सेस द मैक्सिमम अमाउंट ठीक है तो क्रेडिट लिमिट या मैक्सिमम अमाउंट को जब तक क्रॉस नहीं करते तो उस टाइम तक बोरोवर जो होता है कैन एक्सेस द फंड फ्रॉम द लाइन ऑफ अ क्रेडिट एंड सेट कर सकता है कुछ एग्रीमेंट एंड मीट कर सकता है एनी अदर रिक्वायरमेंट सच एज मेकिंग टाइमली मिनिमम पेमेंट कंटेक्स देखा जाए तो मालदीव और इंडिया जो है उन्होंने साइन किया है डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट जिसका वर्थ फिफ्टी डॉलर मिलियन डॉलर तक है ब्लैक फूटेड फेरेट तो साइंटिस्ट जो है हैज़ सक्सेसफुली क्लॉन एंड इंडेंजर ब्लैक फुटेड फेरेट यूजिंग अ फ्रोजन सेल अलोंग अ लॉन्ग डेट वाइल्ड एनिमल एंड फर्स्ट टाइम इन नेटिव इंडेंजर स्पीशीज़ जो है वो क्लोन की गई है इन द यूनाइटेड स्टेट ये जो स्पीशीज़ है इन द नॉर्थ अमेरिका ओनली नेटिव फेरेट एंड ये स्पीशीज़ जो है वो कंसिडर करती है एक्सटीन अनटिल सेवन वेयर फाउंड इन नाइनटीन एटी वन ठीक है यहाँ पे आप उसका फ़ोटो देख सकते हो नेक्स्ट इज संत रविदा दास जी तो ये एक पोइट है ऑफ अ भक्ति मोमेंट इन द नॉर्थन इंडिया फाउंडर ऑफ अ रविदासी सेक्ट एंड दे टॉट अगेनेस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सम ऑफ द डिवोशनल वर्स अगर उनके देखे जाए uh, वजन्स देखे जाए तो वो कंपोज करते हैं ऑफ हैज बीन इंक्लूड गुरु ग्रंथ साहिब ठीक है of, Sahib, उन्होंने भी उसमें भी उनका मेजर रोल रहा है एंड दिस आर अ फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग संत रविदास इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुआरी हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ये जो डे है इट इज़ मेन एम कि वो प्रोमाइट प्रोमोट करे अवेयरनेस ऑफ अ लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोट करे मल्टी फर्स्टली अनाउंस किया गया था यूनेस्को इन नाइनटीन एंड फॉर्मली रिकोगनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दो में द आइडिया uh, जो इंटरनेशनल मदर डे सेलिब्रेट करने का वो इनिशिएट किया गया था बांग्लादेश थ्रू एंड इस साल की जो थीम थी वो थी फॉस्टरिंग मल्टी फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड society. In this way we conclude our today's news section. Take care. Have a nice day. Thank you.